हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कल्स, उसका फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। वैसे तो सर्कल्स आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी करके रखा है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा केस है जो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, और 9th स्टैंडर्ड के जो केसेस हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। चलिए सबसे पहले बात क्या होती है चैप्टर की, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर? चलिए इंट्रोडक्शन क्या था। सो अगेन हमको पता है कि दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस विच इज कॉल्ड रेडियस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड विच इज कॉल्ड सेंटर। अब हमें पता है कि सर्कल क्या है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे होता है, और फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा हुआ है। ऑल्सो यू हैव लर्न डेट वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल सच लाइक कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क एटेक्स्ट्रा। मतलब आपने कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क ये सब के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ के ही रखा हुआ है 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर के अंदर। तो इस बार हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे 10th स्टैंडर्ड में। सो लेट अस नाउ examine the difference between situation that can arise when a circle and a line are given in a plane. मतलब अब हमें दो condition given होगी। आपको क्या given होगा, पहले एक circle given होगा और एक line given होगी। अब circle और line के बीच में क्या relation बन सकता है वो यहाँ पर हमें study करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या ऐसा केसेस है जिसमें एक सर्कल और लाइन गिवन है तो क्या होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देर आर ओनली 3 केसेस। So let us consider the a circle and a line PQ. There can be 3 possible cities given. So only 3 possibilities हैं जब एक line और एक circle given होगा। चलो कौन कौन सी possibility है मैं बता रहा हूँ। या तो पहली possibility होगी इस तरीके से, फिर एक इस तरीके से होगा और एक होगा। चलिए तीनों condition को अगर समझना चाहता हूँ तो line and circle cannot intersect at any point. मतलब ये दोनों किसी भी point पर intersect नहीं कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, लाइन एंड सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, और यहां पे कह सकता हूं लाइन इज टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट। देखिए यहां पे वर्ड यूज किया मैंने इंटरसेक्टिंग, और यहां पे करूंगा टच द पॉइंट एट ए बी, मतलब उसे टच करके एक जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे तीन कंडीशन बनेगी, या तो लाइन और सर्कल एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो एक पॉइंट पे टच करके जाएगी एक लाइन। सो दिस इज कॉल्ड द 3 सिचुएशन। चलो इस 3 सिचुएशन को हमको लिखना कैसे, इन वर्ड्स में हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो देख लेते हैं इस केस को किसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए वो देखेंगे। सो अगेन मेरे 3 डायग्राम मैंने ले लिए जो लास्ट टाइम हमने यूज किया अभी, तो उसे 3 डायग्राम को लिए हैं। चलो फर्स्ट डायग्राम को बात करता हूँ। सो मुझे पता है फर्स्ट डायग्राम द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट्स, मतलब कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं रहा, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सो इन दिस केस यू कैन से PQ called a non-intersecting line with the respected to the circle. मतलब PQ को हम क्या कहेंगे, non-intersecting lines, जो वो intersect नहीं कर रही है इसके वजह से। चलिए अब बात करते हैं कि second case में क्या बनेगा। So in the second case there are 2 common points A and B that the line PQ and the circle have. In the case we can call the line PQ is a secant of the circle. चलिए यहाँ पे एक वर्ड आपको याद आएगा कि यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट्स है। 2 कॉमन पॉइंट्स का मीनिंग कि लाइन पे भी होना चाहिए और सर्कल पे भी होना चाहिए, मतलब ये लाइन पे भी और सर्कल के भी है, तो दीज आर कॉल्ड कॉमन पॉइंट्स। अब इस केस में कि अगर लाइन के और सर्कल के पास 2 कॉमन पॉइंट्स है, सो वी कैन से पी क्यू इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द लाइन। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑफ द लाइन। ठीक है, और नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन नंबर से केस नंबर 3, वो तो आपको पता ही है कि ऐसे एक लाइन बनती है तो क्या कहते हैं, देयर इज वन ओनली पॉइंट व्हिच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल। सो इन दिस केस यू कैन से द लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल। चलो टेंजेंट के बारे में आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ऑलरेडी देख रखा है कि हमने कैसे एक सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया था फ्रॉम द आउटर पॉइंट। तो यहां पे बात आ जाती है कि टेंजेंट किसे कहेंगे सर्कल के ऊपर, कि किसी भी एक पॉइंट से टच करके जाएगी, उसे हम कहेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। चलिए अब इसमें एक सवाल आता है कि सर एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो पता है कि सेट सर्कल किससे बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स के सेट से मिलता है। तो हर एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट पास कर सकते हो, यहां से
फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ से टेंजेंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ से. सो यू कैन से देर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू द एनी सर्कल, मतलब किसी भी एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स होंगे. सो यू कैन से इट इज इनफाइनाइट टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल को इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं. पर अगर आउटर पॉइंट से बनाऊंगा तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, जैसे मैंने बताया था कि यहां से अगर मुझे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो आपको पता है कितनी टेंजेंट होती है, ओनली टू टेंजेंट्स. सो आउटर पॉइंट से टू होती है, बट अगर किसी भी सर्कल की किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनानी है सो देर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर देयर. तो आज मजा का कैसे करना है, चलिए आगे देखते हैं और एक केस. सबसे पहला थ्योरम इसमें आएगा, थ्योरम का प्रूफ दैट आपको याद नहीं रखना है, बट इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसी स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड करेंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट थ्योरम जो है यहाँ पे याद रखना. उससे पहले बात करते हैं टेंजेंट के लिए हम क्या क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. चलिए टेंजेंट के लिए हमने जो बात की थी उसके लिए देखिए, सबसे पहले कि दैट टेंजेंट टू द सर्कल. अब टेंजेंट टू द सर्कल क्या होता है, मैंने डेफिनेशन बताई दी है. डेफिनेशन क्या थी, क्या था कि दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट और टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. क्या इंटरसेक्ट की जगह आप टच भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों सेम कंडीशन होती है. तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि अगर कोई सर्कल की कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करके जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर सर्कल ओनली इन वन पॉइंट. चलिए तो दूसरा क्या होगा, एक और याद रखना है कि दैट द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब जो पॉइंट हमें कॉमन मिला दोनों में, तो उस कॉमन पॉइंट को टेंजेंट और सर्कल को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे. ये भी आपको वर्ड याद रखना है, काम आ सकता है क्वेश्चन में. सो टेंजेंट का मैंने केस बताया था, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा आपके लिए, ए इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहाँ पे क्या होगा, ए इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो लाइन और सर्कल दोनों पे लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इस तरीके से आप टेंजेंट टू द सर्कल के लिए केसेस याद रख सकते हैं कि टेंजेंट आप कैसे बना सकते हैं. चलिए इसके लिए जो मेन थ्योरम आएगा पहला, कि टेंजेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले के थ्योरम नंबर 10.1, जो आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है कि दैट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. मतलब कि अगर सपोज ये मेरे पास सर्कल है, यहाँ पे ये मेरा सर्कल का सेंटर हो गया, ये मैंने अगर कनेक्ट कर दूंगा तो ये क्या होगा मेरा रेडियस, तो मुझे पता चलेगा कि ये एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा. बोला गया टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस टू दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से जो रेडियस निकलेगा उसी से वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बनेगा. तो ये आपको याद रखना होगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस निकलता है और जो टेंजेंट होती है, इस तरीके से. तो मैंने बताया वैसे कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दैट एंगल शुड बी 90 डिग्री, मतलब ये एंगल आपको हमेशा क्या मिलेगा, 90 डिग्री. तो ये आपको याद रखना होगा सबसे पहला थ्योरम, जो आपको काम आएगा किसी के कैलकुलेशन में. ठीक है, चलिए एक और रिमार्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दो रिमार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए. चलो वो कौन से, देखो रिमार्क नंबर वन. चलो फर्स्ट रिमार्क है दैट बाय द अबव थ्योरम, हमने जो अभी थ्योरम देखा उसके ऊपर, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल देर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट. मतलब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसमें से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी. ठीक है, बट सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट हैं उनके ऊपर से कितनी टेंजेंट पास होगी, इनफाइनाइट टेंजेंट. तो अगर एक पॉइंट सर्कल पे है तो उसमें से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, उससे ज्यादा पास नहीं हो पाएगी. चलिए रिमार्क नंबर टू आपको याद रखना है. रिमार्क नंबर टू इज द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, हमने जो अभी रेडियस बनाया था ना, इस तरीके से यहाँ पे मैंने सर्कल लेके एक रेडियस बनाया था, अगर उसे मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा इस तरीके से लाइन बना के, तो ये जो लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल. इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं. ये जो लाइन बनी आपकी उसी रेडियस से जा रही है, उससे क्या है, परपेंडिकुलर. मतलब यहां पे याद रखना होगा नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. नॉर्मल एक ऐसी लाइन होगी जो किससे परपेंडिकुलर होती है, उसके टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है. तो ये भी आपको याद रह जाएगा कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. और इसे हर एक चीज में आप इसे यूज कर पाएंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल कौन सी लाइन बनती है, तो मैंने बताया सर्कल के टेंजेंट से, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से निकलने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन रेडियस को कंटेन कर रही है उसको, सो दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल. तो ये जो लाइन बनाई वो बनेगी आपकी नॉर्मल बन जाएगी. चलिए तो ये आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है. चलिए आगे बात करते हैं. चलो अब हम बात करेंगे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 10.1. अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वैसे हमें सॉल्व करना है. चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया कितने सर्कल्स टेंजेंट के पास होंगे, तो सर्कल पे जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट होंगे, तो सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं मैंने बताया इनफाइनाइट पॉइंट, सो यू कैन से हियर के अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, मतलब इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स एक सर्कल को मिल सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोला गया है सेकंड नंबर वो है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, मतलब मुझे बोला गया कि एक सर्कल है उसकी टेंजेंट मतलब इस तरीके लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो मुझे पता है वन पॉइंट पे, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट के लिए इट इज वन, आप न्यूमेरिकली वन लिख दिया, वर्ड में इंग्लिश में अल्फाबेट में वन लिख के कोई चलेगा। चलिए सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है देखिए उसके लिए क्या क्या आ गया है। सेकंड गिवन गया है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन अ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। चलो टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने अभी बताया केस पढ़ा हमने कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे सेकेंड ऑफ द लाइन, सो देयरफॉर द आंसर इज सेकेंड। चलिए उसके बाद थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है आपको कि दैट अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, चलो एट द मोस्ट मतलब टेंजेंट्स के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है मैक्सिमम। चलिए यहां पे रखिए कि एक टेंजेंट मेरे पास ये है सर्कल की, अब मुझे अगर कोई पैरेलल टेंजेंट बनानी है तो मुझे कंपलसरी यहां डायमीटर होना जरूरी है कि डायमीटर एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो जो ऑपोजिट टेंजेंट बनेगी वो क्या होगी डायमीटर पर, मतलब आप कभी भी दो पैरेलल टेंजेंट बनाने जाओगे इस तरीके से तो आपका ये डायमीटर होना जरूरी है, मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होने जरूरी है तभी ये दोनों पैरेलल होंगी, बाकी अगर आप यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना दोगे तो ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होगी, आपने कोई ऐसे टेंजेंट बना दी तो ये किसी से भी पैरेलल नहीं होती है, मतलब याद रखना है कि अगर आपको पैरेलल टेंजेंट बनानी है टेंजेंट की तो वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ही बन सकती है, तो देयरफॉर यू हैव टू राइट, अब डायमीटर पे कितने पॉइंट होते हैं दो पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिल सकती है, सो मैक्सिमम टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल फॉर द टू सर्कल एनी सर्कल, मतलब किसी एक सर्कल में मुझे पैरेलल टेंजेंट बनानी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगी टू, उससे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स आप बना सकते नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड, चलो कॉमन पॉइंट हम क्या कहते हैं इसको हमें पता ही ऑलरेडी, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, तो हमें पता है कि हाँ इसमें हम कैसे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एकदम ईजी है जिससे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे और एकदम ईजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर थ्री दैट अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। चलिए पी क्यू इज टेंजेंट एंड पी इज अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, मतलब पी क्यू टेंजेंट है पी पॉइंट सर्कल के ऊपर आया है, मतलब यहां पे बोला गया कुछ इस तरीके से कि मैंने एक सर्कल बना लिया उसका सेंटर ले लिया मैंने ओ, एक पॉइंट बना लेता हूं टेंजेंट के लिए जो टेंजेंट है पी क्यू, तो मैंने एक लाइन बना दी इस तरीके से, अब पी होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब यहां पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा पॉइंट पी, और यहां पे एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं इट इज पॉइंट क्यू। चलिए मुझे बोला गया कि अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एंड पॉइंट ओ क्यू सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12, मतलब ओ और क्यू को मुझे कनेक्ट करना होगा, सपोज क्यू पॉइंट आप यहां पे ले रहे हो तो मुझे ओ क्यू को कनेक्ट करना है, तो ओ क्यू को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, अब इसकी लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। चलिए पी क्यू रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है पी क्यू, अब ओ और पी को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर्कल का रेडियस हो जाएगा ये आर, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 5। चलिए फिर मैंने बताया था आपको थियरम कि अगर कोई लाइन रेडियस में से पास होगी तो वो टेंजेंट के क्या होती है परपेंडिकुलर हो जाती है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं फॉर ट्राइंगल एंगल ओ पी क्यू वो क्या हो जाएगा 90, अगर ओ पी क्यू 90 है तो ये क्या बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थियरम फॉर हियर, सो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थियरम, सो वी कैन से ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, चलो ओ क्यू की वैल्यू क्या है 12, सो इट इज 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, चलो 12 स्क्वायर क्या होगा 144, 5 का स्क्वायर 25 को इधर ले जाएंगे तो -25 इक्वल्स टू पी क्यू, चलो 144 -125 नाउ इट विल बिकम 119 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी पी क्यू स्क्वायर पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 119, तो पी क्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी रूट 119, सो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर मिलेगा।
तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आंसर किस तरीके से आने वाला है। सिचुएशन को डायग्राम में सॉल्व करिए तो आपको आइडिया आएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये कंस्ट्रक्शन टाइप का क्वेश्चन है तो वो हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। चलिए यहां पे मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसी एक लाइन के पैरेलल, उसमें से एक बनना चाहिए टेंजेंट और दूसरा क्या बनना चाहिए सेकेंड बनना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक गिवन लाइन दी बन, तो मैं एक सेंटर ले लिया, ओ सेंटर ले रहा हूँ जो भी गिवन लाइन बोला गया है, तो मैंने एक लाइन ले ली देखिए इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा कि एक टेंजेंट बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी सेकेंड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक डायमीटर बना देता हूँ 90 का और उसके पैरेलल बाद में ये एक लाइन बना दूंगा, तो दोनों एक दूसरे से पैरेलल भी हो जाएंगी और एक टेंजेंट और सेकेंड बनेगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बनाना होगा। चलिए दो लाइन पैरेलल कब होगी, जब उन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए 90। तो मतलब पहले तो मुझे यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाना होगा और ऐसे एक लाइन कनेक्ट करनी होगी, फिर यहाँ पे भी एक 90 डिग्री चाहिए ना, तभी तो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बना के एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मुझे मेरा सेकंड मिल जाएगा। तो मुझे सबसे पहले बनाना होगा मेरा सेकंड क्या होगा, तो सेकंड बनाने के लिए गिवन लाइन पे मैं 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ। देखिए 90 डिग्री कैसे बनाना आपको पता है, एक 180 एक सेंटर पॉइंट ले लिया, 180 का आर्क, दो आर्क बना दिए मैंने 60-60 के उसके ऊपर। अब क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट दोनों के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और ऐसे एक लाइन मैं कनेक्ट कर दूंगा। चलिए ये क्या मिला मुझे, बाइसेक्टर पॉइंट मिल गया मेरा, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगा, अब 90 डिग्री इस पॉइंट पे बनाएंगे तो एक एंगल ये एक आर्क ये दोनों का बाइसेक्टर पॉइंट और ये मैंने बना दिया 90 डिग्री एंगल। मतलब ये दोनों लाइन मुझे मिल गई, वो क्या हो गई 90 डिग्री, मतलब ये एक दूसरे से क्या हो गई, अभी पैरेलल हो गई। चलिए अब मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना, एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करूंगा, मुझे इसका यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी, तो मैं क्या करूंगा मोर देन हाफ लेके एक आर्क यहां ड्रॉ करूंगा, इसे सेंटर कंसीडर करके मोर देन हाफ यहां पे ड्रॉ करूंगा, फिर इसको सेंटर लेके आप एक आर्क यहां ड्रॉ करिए, एक इसको सेंटर लेके एक आर्क यहां ड्रॉ करिए, सिमिलरली इसको सेंटर लेके एक आर्क यहां ड्रॉ करिए और इसको सेंटर लेके एक आर्क यहां ड्रॉ करिए। तो आपको यहाँ पे टोटल 6 आर्क बनाने अलग अलग तरीके। चलो सबसे पहले मैं एक आर्क बना लेता हूँ लाइन के सेंटर पॉइंट को, मैंने इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके एक रेडियम रेडियस का मोर देन हाफ लेके एक एंड आर्क ये बना दिया। सिमिलरली सर्कल के सेंटर को एक कंसीडर करके एक आर्क बना दिया। चलिए अब इसको सेंटर करके आपको ऊपर आर्क बनाना है तो एक आर्क ये बना, फिर दूसरे पॉइंट को लेके ये आर्क, नीचे के पॉइंट को लेके आर्क और ये लेके, तो ये आर्क बन गया। अब इसे कनेक्ट कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, तो मैंने इसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए मैंने कहा था कि अगर सर्कल टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया तो वो बनेगा सेकंड और वन पॉइंट पे टच करेगी तो वो क्या हो जाएगी टेंजेंट। सो यहां पे आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहां पे एल एम और एन, तो यहां पे एल मेरी गिवन लाइन होगी, एम मेरा टेंजेंट होगा और एन मेरा क्या होगा सेकंड होगा। सो हियर सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल इज द गिवन लाइन, आपको गिवन था, देन एम एंड एन आर रिस्पेक्टिवली टेंजेंट्स, अ टेंजेंट एंड अ सेकेंड टू द गिवन सर्कल। तो ये अपने आप कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया आ सके कि आपका आंसर एग्जैक्टली आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसे आप करने के अलग अलग तरीके भी हैं, आप इसे अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके लिए फर्स्ट केस कि आपको डायग्राम में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और आपका आंसर कैसे मिलेगा। सो आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।